भारत ने अक्टूबर या नवंबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए ICC के द्वारा निर्धारित की जाने वाली 7 मैदानों में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम को भी लिस्ट में डाला गया है। और अगर ICC से अप्रूवल आती है तो इस बार हिमाचल की जनता को एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप देखने का मौका मिलेगा। हमीरपुर में निजी कार्य के लिए आए हुए BCCI के कोषाध्यक्ष एवं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण धूमल ने उम्मीद जताई है कि ICC अप्रूवल मिलते ही HPCA के धर्मशाला मैदान में मेजबानी का मौका मिलेगा। BCCI के कोषाध्यक्ष एवं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण धूमल ने बताया कि कोविड महामारी के चलते 2020 का T20 ऑस्ट्रेलिया में होना तय था, लेकिन हो नहीं पाया है, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने इस साल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन BCCI ने ICC से अनुरोध किया है कि इस साल की T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत में रखी जाए, क्योंकि साल 2023 में भारत में ODI वर्ल्ड कप होना तय है। कप इवेंट जो T20 वर्ल्ड कप है वो इस बार हिंदुस्तान में होने जा रहा है, उसके लिए अक्टूबर नवंबर का महीना तय किया गया है। पिछले साल जो 2020 में वर्ल्ड कप होना था वो ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन कोविड के कारण वो नहीं हो पाया। इसलिए वो चाहते थे कि वो उनको मेज़बानी 2021 की मिले और इंडिया को 2022 की मिले, लेकिन हमारी दिक्कत ये थी कि ODI वर्ल्ड कप 2023 में होने जा रहा है, तो इसीलिए हमने ICC से ये कहा कि हमें 2021 का वर्ल्ड कप दिया जाए। उसके लिए ICC ने तय किया है कि लगभग 7 जो वेन्यूज़ हैं वो तय किए जाएंगे, उनमें मैचेस हो, तो हमारा प्रयास था कि धर्मशाला भी उनमें से एक वेन्यू हो। तो अभी जो लिस्ट हमारी ओर से गई है उसमें धर्मशाला को ऐड किया गया, और हमें पूरी उम्मीद है कि जब ICC से वो फाइनल होके आएगी तो धर्मशाला को इस वर्ल्ड कप की मेजबानी मिलेगी। फरवरी माह में होने वाली इंग्लैंड के साथ सीरीज में धर्मशाला के वेन्यू पर मैच के न होने के मुद्दे पर अरुण धूमल ने कहा कि धर्मशाला में पहले भी अंतर्राष्ट्रीय मैच हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि 2020 सीरीज में बहुत कम मैच भारत में होंगे। उन्होंने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के चलते केवल 3 सेंटरों में ही इंग्लैंड की सीरीज के मैच होंगे और उम्मीद है कि धर्मशाला में अधिक से अधिक मैच हो सकेंगे। जैसे पिछली बार जो 2 अंतर्राष्ट्रीय मैच थे वो बारिश के कारण नहीं हो पाए, और वो अनसीजनल रेन थी, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था, लेकिन वो मैच कैंसिल हुए। उसके बाद साउथ अफ्रीका की सीरीज ही कैंसिल हो गई थी, और उसके बाद तो सीरीज़ कोई हुई नहीं हिंदुस्तान में कोविड के कारण। तो उसके लिए हमने तय किया, क्योंकि अभी कोविड की गाइडलाइंस चल रही हैं और ये ठीक नहीं रहेगा कि टीम सारे वेन्यूज़ में जाए, इसलिए BCCI ने तय किया कि 2 जो टेस्ट मैच हैं वो चेन्नई में कराए जाएं, उसके बाद 2 जो टेस्ट मैचेज है वो अहमदाबाद में कराए जाएँ, और सारी जो T20 सीरीज़ है उसको अहमदाबाद में करवा के ODI सीरीज़ पुणे में कराई जाए। इसलिए कम से कम वेन्यू रखे गए हैं। 2021 में बहुत ज़्यादा मैच हिंदुस्तान में नहीं होने जा रहा है, ज़्यादा टीम जो है वो इंडिया की टीम ट्रैवल करेगी ओवरसीज़, तो इसीलिए ये फाइनल किया गया है कि इंग्लैंड की सीरीज़ में कम से कम मैचेस हों, वो इन 3 सेंटर में होंगे, लेकिन इसके बाद जब भी मैचेस होंगे हमारी पूरी प्रयास रहेगा कि धर्मशाला को और ज़्यादा मैचेस मिलें।